तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल MI टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। और आज आपको पोस्ट के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। देखिए, ऑफिस है और ये ऑफिस है, पूरी बिल्डिंग में जो है आप ऊपर हॉस्टल है और नीचे जो है ऑफलाइन क्लास चलती है। जो MI टेक्निकल इंस्टीट्यूट हमारा है ये आजमगढ़ उत्तर प्रदेश UP में स्थित है। तो चलिए हम लोग अंदर चलते हैं, गेट से एंट्री करते हैं। और ये देखिए मेन ऑफिस हमारी है। जैसे ही आप लोग गेट से एंट्री करेंगे तो यहाँ पे ऑफिस में दो लोग मिल जाएंगे। और ये देखिए पूरा ऑफिस के लिए अंदर जो है, अंदर आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये प्रैक्टिकल रूम है, यहाँ पे क्लास चलती है अंदर। और देख सकते हैं MI टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर प्रवेश प्रारंभ। ये देखिए यहाँ पे वॉशिंग मशीन, विंडो, AC, मतलब सभी प्रकार के कोर्स यहाँ पे, टेक्निकल से रिलेटेड सभी प्रकार के कोर्स दिखाए जाते हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं कि यहाँ पे कोर्स की क्या जानकारी है, कैसे क्या प्रोसेस होता है। तो हेलो सर, कैसे हैं आप? ठीक है। और बताइए सूरज जी, क्या हाल है? सब बढ़िया है सर, बढ़िया है। आपके यहाँ जो एक MI टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, जी, इसमें जो कोर्स है कितने दिनों में सिखाया जाता है और कौन कौन सा कोर्स यहाँ पे सिखाया जाता है? देखिए, हमारे यहाँ जो MI टेक्निकल इंस्टीट्यूट आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में, आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारे यहाँ ऑल टाइप का मैकेनिकल एंड टेक्निकल कोर्स चलाया जाता है, जिसमें आपको फर्स्ट में हाउस वायरिंग, फैन, मोटर वेंडिंग, फ्रिज, वाटर कूलर, डीप फ्रीजर, वॉशिंग मशीन, RO, AC, ये सभी कामें आपको फुल प्रैक्टिकल के साथ सिखाए जाते हैं, 100% गारंटी के साथ। और 45 दिन का कोर्स होता है टोटल, डेढ़ महीने का। डेढ़ महीने के अंदर पर डे आपको 6 से 7 घंटा प्रैक्टिकली क्लासेस चलती हैं। ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आते हैं, अगर काम सीखना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन करा के आ सकते हैं। और यहाँ पे सर, ये जो इंस्टीट्यूट है आजमगढ़ रेलवे स्टेशन की कितनी दूर पे है? आजमगढ़ रेलवे स्टेशन यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी है। अगर बच्चे रात में आते हैं तो हम खुद उनको रिसीव करने के लिए जाते हैं, और दिन में बच्चे आते हैं तो वहाँ से ऑटो मिलती है, डायरेक्ट सेंटर तक आती है ऑटो। बच्चों को कोई आने जाने में दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लाने आने के लिए फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहती है। अगर रात में आते हैं तो हम खुद अपने गाड़ी से बच्चों को रिसीव करते हैं, बाकी दिन में आते हैं तो ऑलरेडी ऑटो आती है। शहर के अंदर पूरा सेंटर है, बाहर कहीं नहीं है, टोटल सिटी के अंदर सेंटर है। अच्छा, और रहने के लिए यहाँ पे हॉस्टल की हॉस्टल फैसिलिटी फ्री होती है, रूम, बर्तन, बिस्तर, गैस, चूल्हा ये फ्री मिलता है। बाकी जो भी खाएंगे अपना खुद खरीदेंगे, बनाएंगे खाएंगे, वो स्टूडेंट का होगा। बाकी इंस्टीट्यूट की तरफ से उनको रहने के लिए रूम मिलेगा, बर्तन मिलेगा, बिस्तर मिलेगा, गैस मिलेगा और चूल्हा मिलेगा। इतनी व्यवस्था है, इतनी व्यवस्था है। एक रूम में कितने लोग रहते हैं यहाँ पे हॉस्टल में? एक रूम में वही 2 से 3 लोग रहते हैं। और पर डे क्लास चलती है? पर डे, एवरी डे क्लास चलता है, संडे मंडे सब, संडे मंडे सब जी। और यहाँ पे एक सर और बैठे, इनसे भी बात आगे करते हैं। और देखिए यहाँ पे मैनेजमेंट के देखते हैं। और सर नमस्ते। नमस्ते, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, नमस्कार। तो आप इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बताइए। ये इंस्टीट्यूट देखिए इलेक्ट्रिकल इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है। जैसे नहीं, कुछ इसमें कोर्स में लिखा है कि 45 दिनों में सिखा दिया जाता है। जी ज़रूर सिखा दिया जाएगा 45 दिन का, वो तो समय बस खाली बताया गया है कि आपको यहाँ काम सिखाने से मतलब होता है। वो काम दिन कम भी लगते हैं, ज़्यादा भी लगते हैं, इससे कोई मतलब नहीं होता। अगर 45 दिन के अंदर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होता या कोई डाउट रह जाता है तो आपको एक्स्ट्रा टाइम दे के सिखाया जाता है, उसका कोई अलग से चार्ज नहीं लगता है। मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि 45 दिन के बाद अगर आप लोग नहीं सीख पाते हैं तो आपको कोई अलग से चार्ज नहीं लिया जाएगा यहाँ पे। जितनी फीस आपकी जमा उतनी ही फीस में आपको, जब तक आपका डाउट कोई भी बचा रहेगा वो सारा क्लियर करके करने के बाद ही आप यहाँ से सीख के जा सकते हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ पे प्रैक्टिकल की व्यवस्था फुल, कितने प्रैक्टिकल चलता, कितने घंटा प्रैक्टिकल? देखिए यहाँ क्लास सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के लगभग चलता है, जरूरत पड़ने पर 5 बजे तक भी चल जाता है। लेकिन बस आपको जो भी चीज़ का थ्योरी अगर स्टार्ट हुआ तो थ्योरी जैसे ही कम्प्लीट होता है फिर उसके बाद उसका तुरंत प्रैक्टिकल स्टार्ट होता है। प्रैक्टिकल जैसे ही करवाया जाएगा सभी बच्चों का ग्रुप बना दिया जाता है। जैसे एक बैच में 15 से 20 बच्चे अगर पढ़ते हैं तो हर बच्चों का ग्रुप अलग अलग हो जाता है। जैसे 4 से 5 लोगों का ग्रुप एक बना दिया जाएगा तो पहले टीचर क्लास में बताते हैं, उसके बाद वहाँ ले जा करके जो जिस चीज़ का प्रैक्टिकल होना रहता है सारे बच्चे, मतलब जैसे ग्रुप होता है 5 लोगों का तो 4-5 बच्चे का साइड में खड़ा करवा दिया जाएगा सभी लोगों को। बस वहाँ टीचर एक बार बताएंगे, फिर एक पहला बच्चा करेगा और 4 लोग देखेंगे उसको, फिर बारी बारी से ऐसे दूसरा बच्चा करेगा, तीसरा करेगा, ऐसे सभी का नंबर आता रहेगा और 3-4 बार देखते देखते सारा चीज़ याद हो जाता है, कम्प्लीट हो जाता है। मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे बारी बारी से सबको प्रैक्टिकल सिखाया जाता है एक के बाद देख करके। और जो है 45 दिन का कोर्स है, इसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या प्रक्रिया करनी पड़ती है यहाँ पे? रजिस्ट्रेशन कराने का प्रोसेस जो होता है, 500 रुपये पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। कोई भी कहीं से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, एक नंबर है जिसपे आपको
₹500 पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट और अपने आधार कार्ड का दोनों साइड का फोटो भेज देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। वो नंबर आपको स्क्रीन पे शो कर दिया जाएगा, वहाँ से आप देख करके उस नंबर पे कॉल करके बात भी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, बाकी सारी डिटेल्स उस नंबर पे मिल जाती है। जैसे मान लीजिए रजिस्ट्रेशन आज करा लेंगे तो कितने दिन बाद कोर्स मिलता है? जैसे लगभग 1-1.5 महीने पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। इस टाइम जो रजिस्ट्रेशन करवा रहा है करवाएगा तो उसको सितंबर का बैच मिलेगा। कहें कि अभी जुलाई चल रहा है, फिलहाल में अगस्त की सारी सीटें हमारी फुल हो गई है और सितंबर का रजिस्ट्रेशन चल रहा है इस टाइम। तो मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि आज अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपको सितंबर में, क्योंकि अगस्त का बैच यहाँ पे फुल हो चुका है। अगर आप सोचेंगे तुरंत पढ़ने के लिए तुरंत आज रजिस्ट्रेशन करवा लें, कट पढ़ सकते हैं, तो तुरंत यहाँ व्यवस्था नहीं है। यहाँ देखिए ऐसा भी होता है, जैसे बहुत जगहों पे होता है, जैसे ही बच्चे एंट्री करते हैं एंट्री करने के बाद उनको तुरंत अंदर ले लिया जाता है, यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर एक बैच जब स्टार्ट होता है, जब तक वो बैच कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक नए बच्चों की एंट्री उसमें नहीं होती है, और जो भी पढ़ाया जाएगा स्टार्ट से पढ़ाया जाएगा लास्ट तक, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक नए बच्चों की एंट्री उसमें नहीं होगी। नए बच्चे जब भी आएंगे नए बैच से आएंगे। अच्छा, तो चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, फिर चलते हैं हम आपको आज प्रैक्टिकल रूम दिखाते हैं, आगे देखते हैं आप लोग इसी तरह। तो अभी हम लोग चलते हैं, देखिए यहाँ पे क्लास चलती है, यहाँ पे चलते हैं क्लास, इस रूम में चलती है, आगे चलते हैं आपको दिखाते हैं जो है हमारा टेक्निकल से रिलेटेड जितने भी सामान है, प्रैक्टिकल सामान है। आप देखते हैं रूम यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी देखिए एक रूम बना है, और इधर देखते हैं, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल के लिए आपको भरपूर चीज़ें मिल जाएंगी। मतलब तो ये देखिए हमारा दूसरा प्रैक्टिकल रूम है, यहाँ पे देखिए आपको बोर्ड सीरीज बनी हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे देखिए तमाम प्रकार के सामान रखे हुए टेक्निकल से रिलेटेड जितने भी, आप प्रैक्टिकल में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और देखिए वहाँ पे क्लास भी चल रही, थ्योरी भी उधर चल रही है, और प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पे आपको आना पड़ेगा। और यहाँ से देख सकते हैं आपको एक एक सामान यहाँ पे मिल जाएगी, गैस मिल जाएगी, रिले मिल जाएगा, मतलब हर एक सामान आपको यहाँ पे अवेलेबल है। ये नहीं कि आने के बाद यहाँ इस सामान की कमी पड़े, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए आपको भरपूर सामानें रखी गई हैं, आपको प्रैक्टिकल से कोई भी दिक्कत, प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पे देखिए बोर्ड लगाया गया है, यहाँ पे जो अलार्म का होता है पानी भर जाता है तो बोलता है कि घंटी पानी टंकी भर गई है, मोटर बंद करें, तो देखिए यही है। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपको इस तरह, आप लोग इस तरह चैनल पर बने रहिए, और आपको इस प्रकार की वीडियो आप पर डे आपको MI टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर आती रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।